हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद भावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है मुबारक को बेटी हुई है, और आज मुबारक को बेटी हुई है की 12th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। सो आफ्टर अ डिले ऑफ अ वीक और सो, मुबारक को बेटी हुई है हैज फाइनली एयर्ड। पिछले हफ्ते के एपिसोड में एक क्लिफहैंगर था और वो ये था कि नाहिद की बेटी जो है वो जान से चली जाती है बीमारी की वजह से, शी कैन नॉट सर्वाइव। एंड इन दिस एपिसोड्स एंड वी सी दैट हैपनिंग। इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीन, इट्स अ वेरी पेनफुल सीन, लाइक ऑल द एपिसोड्स दैट हैव हैपेंड इन मुबारक को बेटी हुई है। ये एपिसोड भी काफी तकलीफ दे और काफी प्रॉब्लमैटिक थी, बट थोड़ा सा अच्छा रिलीफ जो एंड में मिला वो ये मिला कि फाइनली नाहिद की बेटियां जो हैं वो बड़ी हो गई हैं, दे हैव ग्रोन अप, दे आर नाउ रेडी टू गो इनटू द वर्ल्ड। एंड नाहिद की जो सारी मेहनत थी वो रायगा नहीं गई। अलबत्ता एक जो बहुत अच्छा एंगल मुझे इस एपिसोड में लगा वो ये लगा कि नाहिद की जब बेटी का वो इंतकाल की वो जो खबर सुनती हैं और वो जिस उस वक्त उनको वो सदमा मिलता है, द वन थिंग दैट फ्लड्स हर माइंड एंड यू नो इट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉयज हर इवन मोर इफ दैट्स पॉसिबल इवन, वो ये है कि कैसे उनके दिमाग में सारी वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं जो लोगों ने उनको कही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके हस्बैंड ने उनको ये कहा होता है कि तुम अपनी बेटियां पाल के दिखा दो मुझे, तुम नहीं पाल सकोगी। जिस इस बंदे ने उनको ताने दिए होते हैं बेटियों को पालने के, उनका ख्याल ना रखने की एबिलिटी के, तो वो सारी बातें उनके दिमाग में आती हैं और वो अपने आप को कसूरवार ठहराती हैं। हालांकि हमने देखा ही है पिछले 10-12 एपिसोड्स में कि उनकी जो मसाइल या उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स का जो रूट है वो खुद नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं। जैसे उनकी खाला उनको मशवरे देती हैं, बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं और बहुत ही मतलब मोहब्बत से देती हैं, और आपको अंदाजा भी होता है कि शी इज नॉट बीइंग यू नो स्नाइड एंड शी इज नॉट बीइंग evil about it. वो एक दोस्त की हैसियत से और एक हमदर्द की हैसियत से उनको ये मशवरा दे रही हैं। और वो मशवरा यही होता है कि या तो अपने शोहर के पास चली जाओ या अपने भाई से बना के रखो, कोई सहारा ढूंढो। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब किसी औरत के पास माशरे में उसकी जो छत जिसको कंसिडर किया जाता है, अगर वही छत नाकारा हो जाए या वही लोग उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दें तो फिर वो कहाँ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अफसोसनाक बात यह है, और ये जो पूरा प्ले है वो बहुत सारी अफसोसनाक सच्चाइयों को उजागर करता है हमारे सामने। तो अफसोसनाक बात यही है कि इस तरह की सिचुएशंस में सोसाइटी आपकी मदद नहीं करती, आपसे हमदर्दी नहीं करती, बल्कि उल्टा आपके ऊपर बोझ और डाल देती है, स्टिग्मा डाल देती है, टैबू बना देती है आपकी जिंदगी को। द गुड थिंग दैट वी सी इज दैट नाहिद इज अ फाइटर, हर डॉटर्स आर फाइटर्स, और ऐसी सिचुएशन में यू नो ला मोहला आपको फाइटर बनना पड़ता है, यू हैव टू फाइट बैक, एंड दैट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ सेकंड नेचर, एंड दैट इज ब्यूटिफुली डिस्प्लेड इन दिस एपिसोड। थोड़ी सी स्वीट और स्टूपिड सी सिचुएशन थी जिसमें टीपू शरीफ का जो किरदार है वो नाहिद से आके ये बात कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, एंड उसके बाद वो आगे से इस तरह रिएक्ट करती हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या बात करती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। और दो कि उनको अच्छा और पाक दामन और सती सावित्री और सब कुछ दिखाया गया है, बट इट्स सो सैड कि एक बिल्कुल जायज़ और एक बिल्कुल लीगल चीज़ को भी हमने इतना बड़ा टैबू बना दिया है, हमने इतना बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है। तो जो इलीगल चीज़ें हैं या जो चीज़ें शायद अभी तक हमारे मुल्कों में और हमारी सोसाइटी में आम नहीं है उनके बारे में तो खैर हम क्या ही बात करें, जो एक्चुअली अलाउड चीज़ें हैं उन्हीं पे इतनी हाई दुहाई मचा देते हैं और औरतें खुद इस चीज़ को भी इतना इंटरनलाइज कर लेती हैं। जो उस बंदे की ऑफर थी नाहिद के लिए, इट वॉज नॉट रॉन्ग, इट वॉज अ गुड थिंग फॉर हर, एंड ही वॉज समबडी हु वॉज सिंसियर टू हर, बट ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज़ को इतना अल्लाह नहीं नहीं हो ये क्या हो गया इस तरह करके उन्होंने इस तरह रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ के ऊपर कि ऑब्वियसली उनके लिए अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ ही नहीं सकी। यू नो दैट टेल्स यू सो मच अबाउट द जेंडर रिलेशंस इन आर सोसाइटी के दो सेक्सेस का आपस में इंटरमिंगल करना और उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखना कभी कभी कितना बड़ा टैबू बन जाता है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है सबके लिए ही, सोसाइटी के लिए भी, आपके लिए भी, किसी मर्द के लिए भी, किसी औरत के लिए भी। सो इसके ऊपर एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। आप मेरे डिटेल रिव्यूज कैच कर सकते हैं patari.pk के ऊपर। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर तो कैच कर ही सकते हैं, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको देखिए, उनको क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं तो डू लाइक आ फेसबुक पेज, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।